मुझे बताइए, आप डांस प्लस में आना क्यों चाहते हो? सर, मैं डांस प्लस में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। सॉरी, क्यों? मेरी फैमिली को बहुत बड़ा टेंशन है इसका। सर, मेरे पापा ने बैंक में 10 लाख रुपए लोन लिया था जो मुझे पूरा करना है। मतलब आपके पापा आए हैं साथ में आपके? सर, पापा नहीं है, कोविड के टाइम पे छोड़ के चले गए। I'm so sorry for your loss. हम लोगों ने ना बहुत बहुत कॉल लगाया मैम। सुबह 7 बजे एम्बुलेंस आया, रात के 4 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था। हम अभी नहीं आ पाएंगे, और दूसरी जगह फोन करो तब हम आएंगे। एम्बुलेंस को कॉल करते थे कि कब आओगे, बोलते थे कि नहीं अभी हम यहाँ हैं, ऐसा ऐसा करके सुबह 6 से 7 बज गया। उसके बाद फिर पापा को एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस हमको मुश्किल से एक जगह बेड मिला। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे पापा को, बट लेकिन बेड बिल्कुल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। थोड़ा सा पापा 2 दिन तक थे अच्छे से, फिर उसके बाद चले गए। I'm so sorry, Evan. मैं बस यही दुआ करूंगा कि जितनी जल्द हो सके आपका कर्जा आपके ऊपर से हो। क्लिप है डांस प्लस सीजन 6 की, और ये जो लड़का है इसने बताया कि इसके फादर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, और कैसे कोविड में उनके पापा की डेथ हो गई है, और सारा जो अब लोन देना है वो इस लड़के को ही देना है, इस वजह से डांस प्लस में आना चाहते हैं। एंड गाइज, अभी जो लोन का अमाउंट है वो 8 लाख रुपए है। सो गाइज, ये बहुत बड़ा अमाउंट है किसी एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए या गरीब घर के बच्चे के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये 8 लाख रुपए। और गाइज, कहते हैं ना कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जो आपको चाहिए हासिल करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ, लड़के ने अपना डांस दिखाया एंड अपनी स्टोरी बताई, और एक उम्मीद की किरण ऐसी जगह से निकली जहाँ से उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपका कर्जा के ऊपर से उतरे। आपका कितना है कर्जा? सर, 10 लाख रुपए पापा लोन लिए थे तो शायद 8 बचा है। मेरे हिसाब से 8 बचा है, वो मैं कर दूंगा। आप मेरे पास आ जाना मेरे उससे। थैंक यू सो मच। जितना मुझसे हो पा रहा है 8 है ना आपका? 8 मैं कर दूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा डांस भी करते हो यार। थैंक यू सो मच सर। आप अपना लोन भर देना बैंक वालों को देके, ठीक है? आपके जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गाइज, हम सब इनको तो जानते ही हैं, राघव जुयल, जो कि अपने स्लो मोशन डांस की वजह से डांस इंडिया डांस में ऑडिशन देने आए थे, स्लो मोशन डांस इन्होंने किया था, तो उसकी वजह से फेमस है अपने। एंड अब ये जाने जाते हैं अपनी एंकरिंग की वजह से, जो ये जेन्युइनिटी के साथ कॉमेडी करते हैं वहाँ पे, उनके लिए जाने जाते हैं। एंड गाइज, जेन्युइन मैंने क्यों बोला ये आप लोगों को पता लग ही गया। गाइज, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिल से इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना राघव के लिए, बहुत ज़्यादा, और ये देख के और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमेशा से जब भी मैं इनकी कॉमेडी देखता था जब भी मेरे को जेन्युइन लगते थे, और आज ये चीज़ देख के गाइज मेरी खुद आंखों में पानी आने को हो रहा है। मतलब वी कांट इवन इमेजिन कि यार किसी और के लिए 8 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात होती है, इवन आप उस लड़के को जानते भी नहीं हो, बस एक स्टोरी देखे एक इमोशनली अटैचमेंट हो गई एंड उन्होंने ये स्टेप उठाया, एंड फाइनली उस लड़के की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम कर लेगा, वो पैसे दे के उनसे एंड अपना पूरा ध्यान डांस में दे सकेगा। सो गाइज, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि राघव भाई के लिए जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर सको और जितना ज़्यादा प्यार दे सको राघव भाई को, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ भर दो कमेंट सेक्शन उनके लिए, और सबसे पहला कमेंट मेरा ही होने वाला है, मैं खुद अपना कमेंट पिन करूँगा गाइज आज अपनी वीडियो में, क्योंकि गाइज जो उन्होंने किया है ना वो बहुत ही कम लोग करते हैं, और सही में ऐसे लोग हमेशा दिल में बस जाते हैं सभी लोगों के। एंड गाइज, एक मैसेज और देना चाहूँगा मैं, अगर आप लोग लायक हैं किसी की हेल्प करने के लिए, तो मतलब छोटी मोटी जैसी भी जिस भी लायक हैं आप, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हेल्प किया करें। अगर कोई नीडी पर्सन है आपके आसपास तो प्लीज़ उसकी हेल्प किया करें, क्या पता आपकी छोटी हेल्प की वजह से यार उसके लिए वो कितनी बड़ी हेल्प हो जाए। सो वी नेवर नो, अगर आप करना चाहें तो गाइज़ प्लीज़ किया करें, और गाइज मेरे कहने से एक बार करके देखना दिल को कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी।
मतलब ऐसा होता है ना गाइज कि आप अपने ऊपर कितना ही ज़्यादा खर्चा कर लो, लेकिन कोई एक छोटी सी हेल्प अगर आप किसी नीडी पर्सन की करोगे ना, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है, खुशी आती है, वो देख के आपको ज़्यादा खुशी होगी। आप करके देखना एक बार गाइज। तो यही थी आज की वीडियो। और हाँ गाइज, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राघव भाई के लिए प्यार और रिस्पेक्ट दिखा देना, बहुत सारी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वैसे रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, उनका काम देख के आप लोग खुद भी कर लोगे। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।